ऐसे में सैयद जफर इस्लाम साहब, ये हार के डर से चुनाव आगे बढ़ाने की साजिश है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन, सैयद जफर इस्लाम। अरे भाई, 5 दिन का सेशन है, उसमें कई चीजें चर्चा में आएंगी। आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके बताया, बोल के भी बाइट देके बताया कि देश हित में अच्छे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होंगे। क्या आप डिस्कशन से भी भागना चाहते हैं? ये क्या डर क्यों लग रहा है? बार बार कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब थोड़ी सी में जरा सा ऐसा लगता है कि उनको चैलेंज हो रहा है तो जरा सा चैलेंज में घबरा जाते हैं। लेकिन जफर भाई जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर मौजूद जो विपक्षी दलों से जुड़े हुए हमारे साथी चर्चा में मौजूद है वो कर रहे थे कि साहब बता देना फिर एजेंडा क्या है, ये इतनी इतनी राजदारी क्या है, जिनके साथ चर्चा करनी है उनको बता दीजिए कि आइए मिल बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी तैयारी वो भी करके आ जाएंगे सर, तो अच्छा है लोकतंत्र के अंदर, बढ़िया चर्चा बढ़िया संवाद हो जाएगा सर, ये तो हित में होगा लोकतंत्र के। जो वो लोग बैठते हैं ना वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जी, जो हाउस में बैठते हैं, उनको पता रहता है कि किस वक्त एजेंडा आता है और कब उनकी तैयारी होती है और कब उनकी जानकारी होती है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। सब उन लोगों को पता है कि एक दिन पहले सबको पता रहता है कि क्या कल का कल बिजनेस क्या ट्रांजैक्ट होने वाला, उसकी जानकारी उनको मिल जाती है, ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, प्लस उनको अगर चाहिए हार्ड कॉपी तो वो भी मिल जाती है, वहां पे रखी रहती है। तो इसमें चिंता क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना है। आप डिस्कशन करना चाहते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में चर्चा भी हो जाएगी, डिस्कशन भी हो जाएगा और आपको मौका भी मिलेगा पूरा बात करने का। अब भागिए मत, अब देखिए डिस्कशन, देश के हित में डिस्कशन करने भागते हैं। और दूसरी बात, एक बात बता रहे हैं, जो बात आपने कही है जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब ले लेती हूँ ना, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, हम लोगों को चर्चा करनी है। मैं आ जाऊंगी, मैं दोबारा आ जाऊंगी सुरेंद्र राजपूत जी, फिर इंतजार कर लीजिए, समय जब आएगा तो बता दिया जाएगा किस मुद्दे पर चर्चा होनी है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही अगर सरकार कदम आगे बढ़ा रही होगी तो फिर उससे विपक्ष क्यों डर रहा है? नहीं चाहते आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर कदम आगे बढ़ाया जाए? सुरेंद्र राजपूत, दोनों बातें हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। पहली चीज तो हमने कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर ड्राफ्ट आए, हम सकारात्मक रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं भाग रहे। दूसरी बात, जो विशेष सेशन बुलाए जाते हैं, हमारे विचारों के विरोधी हैं रामकृपाल जी, लेकिन हमें उन पर भरोसा है चूंकि हम उनको पढ़ करके बड़े हुए। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए उनसे कि विशेष शस्त्र बुलाने के प्रावधान क्या होते हैं, क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के क्या नाम मीटिंग होती है, नेता विपक्ष को या सभी दलों से पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, या अचानक से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है बगैर किसी एजेंडे के सत्र बुला, बगैर एजेंडे के सत्र नहीं बुलाया जाता है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग विषयांतर कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी चर्चा में भाग लेंगे, हम पूछेंगे $1 बिलियन अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है, गार्जियन लिख रहा है, वो कब पैसे यहां से गए तो गए कैसे और किसके पैसे हैं वो, और वहां से वापस आए तो आए कैसे, क्या नाम उनके यहां लगे कैसे हैं, हम तो पूछेंगे इस बात को। चाहे आप राहुल गांधी जी की सदस्यता ले लीजिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सदस्यता ले लीजिए, हम तो वन नेशन वन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी राहुल गांधी की हमने, और हम जब राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए नहीं लगने देंगे, उसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से अलका लांबा थी, इस पर चर्चा भी की थी, तो आप बार बार जो बात दोहरा रहे हैं ना उससे आज का मुद्दा जो है वो कुछ डीरेल होता है। मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी जानकारी में आ जाए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। अभी जो बात आपने, मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ, 30 सेकंड का टाइम सैयद जफर इस्लाम को दे देते हैं, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। सर आइए जफर भाई, देखिए अभी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सब मीडिया में चर्चा चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की जो वन नेशन वन इलेक्शन जो चल रही है, ये चर्चा अभी मीडिया में औपचारिक रूप से कोई ऐसी जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से जानकारी सबको होगी, जो भी एजेंडा रहेगा, एजेंडा कुछ और भी हो सकता है, डिस्कशन देश के हित में कुछ भी और डिस्कशन हो सकता है। आप परेशान क्यों है मुझे ये समझ में नहीं रहे, चिंता क्यों है आपकी? अरे सेशन पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए आपको चिंता क्यों हो रही है? क्यों घबरा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।